बिजनौर खबर टीम में आपका स्वागत है। बिजनौर के एआरटीओ कार्यालय पर प्राइवेट बस यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के चलते एआरटीओ बिजनौर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बड़ी संख्या में प्राइवेट बस यूनियन कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनका कहना है कि कोविड-19 महामारी के चलते लगभग 6 माह से जिले की सभी प्राइवेट बसें खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार कोई भी प्राइवेट बस 6 माह से सड़क पर नहीं चलाई गई। बसों का संचालन पूरी तरह ठप रहा है, जिसके चलते उन्होंने सभी प्राइवेट बसों का 6 माह का टैक्स माफ करने की मांग की और अपनी मांगों का ज्ञापन बिजनौर एआरटीओ को सौंपा। बस यूनियन चेयरमैन का कहना है कि प्राइवेट बसों का संचालन सिर्फ यूपी राज्य में ही नहीं पूरे देश के लगभग सभी राज्यों में बंद था, जिसके कारण कई राज्यों जैसे गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और अन्य राज्यों ने कोविड-19 के मद्देनजर प्राइवेट बसों का टैक्स माफ कर दिया है। लेकिन यूपी सरकार ने इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण आज प्राइवेट बस संचालकों को सड़क पर उतरना पड़ गया है। आगे उन्होंने बताया कि अगर सरकार द्वारा इस मामले में जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो ये धरना आगे भी जारी रखा जाएगा और बसों को एआरटीओ कार्यालय या फिर कलेक्ट्रेट पर खड़ा कर प्रदर्शन किया जाएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जी, क्या नाम है आपका? कामेश कुमार गुप्ता। कामेश कुमार गुप्ता जी, प्राइवेट बस यूनियन वालों ने जो आज एआरटीओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन या जो भी किया है, क्यों कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हमारी मांगे ये है, जो लॉकडाउन पीरियड में सरकार ने हमारी गाड़ी खड़ी कराई और पैसेंजर था नहीं, गाड़ी चली नहीं, तो किस बात का टैक्स, हमारा टैक्स छोड़ा जाए। और सरकारों ने टैक्स छोड़ा है, जिसमें राजस्थान भी है, गुजरात भी है, उत्तराखंड भी है और हिमाचल भी है, हरियाणा भी है। हमारा टैक्स 6 महीने का माफ करा जाए और अगले 6 महीने के लिए 50% की दर से टैक्स लिया जाए। कब तक रहेगा आपका? गाड़ी हमारी सिलेंडर है, गाड़ी चल नहीं रही है और जब तक ये समस्या का हल नहीं रहेगी, जब तक जो है चलता रहेगा, गाड़ियों का संचालन नहीं करेंगे। अगला कदम ये होगा, हम सब लोग अपनी गाड़ी जिला कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय पर या संभागीय परिवहन कार्यालय पर खड़े कर देंगे और हमें विवश होकर के आत्मदाह या कोई अन्य आत्मदाह करने का मजबूर होना पड़ेगा।